और नहीं जा पाओगे। Now I'm at the foothill of Kaitanmukki. वो देखो आ रही है 4x4 और वही रूट लेके हम लोग को भी जाना है कैथनमक्की हिल के टॉप तक। आज का दिन कम्प्लीटली तूफानी प्लान्ड है। ये एक ऑफ रोड ट्रेल रहेगा 4 kilometers कम्प्लीटली अपहिल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर नाउ वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम जयदीप एंड यू आर वॉचिंग रोडॉक ब्लॉग्स। ये गेट है और यहाँ से ट्रेल चालू होती है एंड यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है 50 rupees ईच बाइक। ग्रेवली रोड है, बहुत सारे स्टोन्स वगैरह है एंड इन प्लेसेस स्टेप्स बने हुए हैं जिसको आपको पार करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। चालू करते हैं ब्रो, लेट्स गो। ओहो, पहले ही मोमेंट पर व्हील स्पिन होने लग गया है बाबा। नॉइस, काफ़ी एक्साइटिंग सा ट्रेल है यार। कॉशियसली भी चलाना पड़ता है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टीप है, जो कि शायद GoPro जस्टिफाई नहीं कर पाए, बट कोशिश की जाएगी कि आपको एक रियल फील दी जाए। इट्स नॉट एज ईजी अ ट्रेल एंड यहाँ मेरा MTC आ गया काम और उसने मेरे को रोक दिया। MTC के चोचले हैं काफ़ी, ये सब अब आपको नहीं पता चल रहा है यार, कितना स्टीप है कितना नहीं है आई एम नॉट श्योर। पकड़ लो यार नंबर्स में, अगर मेरे को रखना होगा तो इट विल बी अराउंड 50-60 degrees स्टीप। अभी सीन ये है कि यार हमारे जो सोमू भाई है ना, वो उतने ऑफ रोडिंग चैम्पियन नहीं है, प्लस वो ड्रॉमिनार पे आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। बाकी यार RKD भाई और मेरा तो आप जानते ही हो, हम लोग तो तूफानी मचाते ही रहते हैं। इजी स्टडी बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ पे यार गाड़ी रखना ना पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा फ्लैट सरफेस है ही नहीं कहीं पे, यहाँ है थोड़ा सा। गॉड गुडनेस, हेलमेट उतारना पड़ेगा रे बाबा। रुक जा थोड़ा सा आगे करके आता हूँ। आपका निकालते पहले, नहीं जा पाएंगे और नहीं जा पाओगे। अच्छा अच्छा हो जाएगा, क्विट नहीं करना है। हालत टाइट हो गई है यार, बस 1 kilometer हम लोग आगे आए हैं। तीनों बाइक यहाँ पे है, अभी वहाँ पीछे सुमू और RKD बैठे हुए हैं। ये RKD की बाइक, यहाँ हुआ फॉल, हैंड गार्ड टूट गया है, निकाल देंगे इसको एंड द मिरर इज गॉन। दिस ट्रेल इज जस्ट क्रेजी गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स एनीथिंग अनटच्ड, एनीथिंग नेचुरल इज ब्यूटीफुल एंड सो इज दिस, बट अभी का सीन कुछ ही हुआ है। यह थोड़ा सिंपल पार्ट ऑफ द ट्रेल, इसलिए यहाँ गाड़ी रोक के थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बट लुक एट दिस, बस 5 minutes टेकिंग अ ब्रीदर, गेटिंग सम ऑक्सीजन बैक। क्या भाई लोग, कैसा चलता है टाइम? अपना टाइम आएगा, देख के लगता नहीं है स्टीप है, लेकिन जो है एक एक कदम पे 100 feet बढ़ रहा है यार। सही में तो यार सोमू भाई जा रहे हैं हमारे 4x4 में एंड हेलमेट पे दे दो ना। RKD भाई डोमिनार को ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं। पार्किंग होगा अभी बाइक का कहीं ऊपर ऑफ रोड में। लेट्स सी जहाँ तक जा पाए। तो यार ये हाल है फिलहाल, सोमू भाई गए थक, यहाँ पे लगी हुई अपन दोनों की गाड़ी एंड हम तो यार आपको पता ही है तूफानी मचा देते हैं। तो जैसा कि जीप वाले सर ने बताया यार कि आगे चल के रास्ता बहुत खराब है, ये जो आपको इतने सारे पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पे, इतने पत्थर नहीं थे लास्ट टाइम। सो डेफिनेटली समथिंग न्यू इज कुकिंग एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। चल चल बढ़ बढ़ बढ़, थोड़ा रेस्ट करके बस निकालना पड़ता है यार, क्योंकि सांस नहीं आएगी तो गाड़ी कहाँ भगाएंगे। जस्ट लाइक द लास्ट टाइम अभी कंटिन्यू करेंगे RKD और मैं। सोमू चला गया यार 4x4 में, गिवन उसको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी सांस वगैरह लेने में एंड यू कांट रियली डू दिस काइंड ऑफ रोड ट्रेल्स इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट। थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है, एक दो हल्के फुल्के सिंपल वाले ऑफ रोड ट्रेल्स करो, गेट यूज टू दिस काइंड ऑफ
टेरेन एंड राइडिंग। देखते हैं यार, मतलब आगे तो बोल तो रहे हैं कि कठिन है। अब हो लुक एट द व्यू गाइस, आओ, इजंट इट वर्थ इट। तो बात ये है कि यार, डोंट स्टार्ट योर ऑफ रोडिंग जर्नी विद दीज काइंड ऑफ ट्रेल्स। ओह शिट, इधर से जाएंगे, क्या हो रखा है ये। तो यहाँ से इन्हें को चढ़ा देना है, समझ रहे हो भाई साहब, गड्ढे बन गए यहाँ पे तो। दिस इज इनसीन, ओह माय लाइफ, ये सब फोर क्रॉस फोर का मारा मारी है यार। उधर से जाएंगे, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, सब मारा मारी फोर क्रॉस फोर का ही है। अब यहाँ पे फिर से मेरी गलती से गिरा यार, इस तरह सपोर्ट लेने खोजा मैंने। जयदेव गिरा हुआ आगे, एक नंबर मेरा भाई, खींच लिया है। देखो यार क्या है, हालत खराब हो गया यार। आज तो फॉल पे फॉल हुए पड़े हैं, मैं बस यहाँ पे पड़ा हूँ ये पीछे, ये देखो। पिछले बार भी हम लोग इसी एरिया में अटके थे और वहीं पे बगल में हम लोगों ने रेस्ट लिया था। आरकेडी भाई कूदते हुए एज ऑलवेज, ये देखो ऐसा स्लोप सा है इधर पे, प्लस इतने सारे पत्थर भी हैं। सो यू रियली हैव दिस, ये जो इतना सा जो आपको पोर्शन दिख रहा है यही आपका सड़क विद द स्लोप। ये देखो बड़ा बुरा हश्र है जो कि कैमरा ऑफ कोर्स जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। पिछले बार आए थे एक अलग एक्सपीरियंस, इस बार आए एक अलग एक्सपीरियंस। एवरी टाइम यू रीविजिट एन ऑफ रोड यू गेट अ न्यू एक्सपीरियंस। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं, बिफोर बिगिनिंग ऑन द बाइक एक बार देखो फोर क्रॉस फोर का क्या हो रहा है। मजे shit oh shit oh shit dekh rahe ho kya ho raha hai launde idhar mummy mummy ki awaaz se nikal rahe hain yaar bada ye jo patch hai na ye wala yahan pe yaar gaadi uchal si hui pehle my god ab yahi cross karna hai with rkd bhai support गॉड पिछले बार जब गए थे यार पूरा ऊपर तक अपन चढ़े थे, वो जो आपको पीक दिख रहा है ना दूसरा वाला, वहाँ तक हमारी अपनी गाड़ी गई थी। बट इट लुक्स लाइक इस बार बहुत लूज सॉइल है जिसकी वजह से यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है, गाड़ियाँ ऊपर अलाउड नहीं है। पहुँच तो गए यार, फन तो हो गया। यहाँ पे बैठे हुए थे कुछ आधे घंटे 45 मिनट के लिए पेड़ की छाव में, सांस ले रहे थे बस और कुछ नहीं। अभी माउंटेन रेंज द ब्यूटी इट कम्स टू एन एंड, एंटिसिपेट नहीं किया था कि डिफिकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा होगी, बट मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। निकलने का टाइम नाउ विथ आरकेडी ब्लॉग्स, और मैं गलत जा रहा था थैंकफुली। ऐसा नहीं था यह ट्रेल, आप देखो मुझे नहीं पता ये दिख रहा होगा कि नहीं, एक गड़ा घुट्टा ऐसे गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। पिछले बार इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था ये मुझसे, और व्हील स्पिन तो यार क्या ही बताऊँ, देखो फिर घूम गया गाड़ी। ओह निकाल दी, टाइम टू गो। ओह शिट, लुक एट व्हाट वी हैव देयर। ओह भाई गलती घुस गया मैं इस तरफ बहुत ही स्लोली, डैम इट बहुत बड़ा स्टेप है यार ऑन माई राइट। सो अभी आपको रेफरेंस के लिए बताता हूँ यार, ये वाला जो पोर्शन था ना पिछले बार, ये था भारी ट्रिकी, अभी भी है पर अभी यहाँ पे डिविएशन सा बन गया है। शाबाश लड़के शाबाश, हो रहा हमारा भाई सोमू बाइक तक चल चल के जा रहा है क्योंकि जीप उसे छोड़ के चलेगी ऊपर, क्या कर सकते हैं किस्मत भाई। एनीवेज भाई का इंतज़ार, अभी उसके बाद तीनों निकलेंगे साथ में, चलो
एकदम धीरे धीरे एक साइड पकड़ के आना और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर। ये तो एक्चुअली थोड़ा सा फन है थोड़ा सा कर ही लेते हैं फन। ओके आगे बहुत बड़े पत्थर है, लेट्स टेक इट फ्रॉम दैट साइड। शाबाश लड़के, बहुत बढ़िया। डैम इट, अरे यार कितने हैं यहाँ पे। भाइयों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, पत्थर बहुत है। देखो यार क्या हाल है, क्या है, क्या है। इफ यू आर इन टू एडवेंचर ट्रैवलिंग मैन, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू डू दिस। फॉर एन ऑफ रोडर और एन एडवेंचर टूरर, दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर ही वॉन्ट्स टू एक्सेल। धीरे धीरे स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स लेवल बाई लेवल, नॉट लाइक यार पहले ADV खरीदी आ जाते हैं, डोंट डू दैट। डैम इट। ओके डैम इट, यस बेबी यस। ऑलमोस्ट एट द लास्ट स्ट्रेच। ये है बहुत ही ट्रिकी हेयर पेन, बिकॉज इसमें एलिवेशन ड्रॉप होता है बहुत ही गंदा। ये देखो क्या स्टीप है, मज़ेदार जितनी है उतनी ही ट्रिकी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि यार तुम ऑफ रोडिंग में क्यों गए, ये तो बहुत ही कठिन तरीका है ट्रैवल करने का, टू एक्सप्लोर प्लेसेस। एंड आई टोल्ड देम इफ दिस इज द लास्ट माइल टू एक्सप्लोर समथिंग एज ब्यूटीफुल एज कैथन मक्की, देन आई विल डू इट। आप बताओ यार आपको कैसी एक्सप्लोरेशन पसंद है, ये कमेंट में जरूर बताना। देर से इंतजार कर रहा हूँ भाइयों का, पर खबर नहीं मिल पा रही, गाड़ी घुमाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। कोशिश करते हैं आगे जाके यार ऊपर देखना पड़ेगा यार, काफ़ी ट्रिकी है ये सब पोर्शंस। कुछ लोग ट्रैकिंग करते हुए, गॉड कितना पत्थर है और मेरा ब्रेक कितना चूचू कर रहा है। घुमाने की जगह तो नहीं मिली, डाउन ही ला गया मैं। क्या हो गया मेरे ब्रेक पैड को, रोया पड़ा है अभी उस पॉइंट से। ये करीबन पकड़ लो यार 500-600 मीटर है कंप्लीट डाउन हिल। हिम्मत तो नहीं हो रही ऊपर जाने की, भाई लोग कहाँ गए। ट्रेल तो कर लिया, अभी ट्रैकिंग कर लेते हैं थोड़ी। बस मेरे ट्रैकिंग में अंतर ये है कि मैं फुल्ली गेयर्ड हूँ, मेरे ऊपर कुछ 7 kg एक्स्ट्रा है तो थकान हो रही है। ऐसी जगह पे रुकते नहीं है, धीरे से निकाल देते हैं, लुढ़क जाता डर लग रहा है। थोड़ा राइट पे रखो, डोंट वरी, पिछला वाला भी आप ही निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। इसका सपोर्ट लेना, इस पर ऐसे पैर लगा लगा के निकल जाओ, ठीक है। छोड़ रहा हूँ, पकड़े रहे थोड़ा सा, उतार देना मेरे को, ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसलिए हम लोग ऑफ रोड वाला हेलमेट पहनते। अरे सर उल्टी हो रहा है, पानी निकल रहा है क्या पूरा। आप आएगा क्या बाइक लेके जाने के लिए। ओह जाने में हालत तंग हो चुकी है, बहुत बुरे हाल है। हो रहा ट्रेल और यहाँ बैठे हैं, बैठे नहीं पड़े हैं, पड़े हैं, जितनी हिम्मत है उतना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस यार थोड़ा सा रिहाइड्रेट करना है खुद को। दी बेस्ट थिंग जो कि लास्ट टाइम नहीं था, देखो लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे नहीं थी और इस बार मिली, वैसे यहाँ पे और एक चीज़ बनी हुई है जो कि लास्ट टाइम नहीं थी, एंड दैट इज RKD, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग। कनाडा में इसे बोलते हैं मजगे, मसाला मजगे, इसमें क्योंकि बहुत सारे मसाले हैं, बट उसके अलावा हिंदी में हम छाछ बोलते हैं, तो छाछ से आप समझ ही गए होंगे, तो उसका आनंद लिया जा रहा है। अभी प्रोग्राम रिहाइड्रेट एंड रन, पी लिया छाछ, इट्स टाइम फॉर लास्ट पीस ऑफ दिस ऑफ रोड विच इज़ अगेन द फन पीस। तो मैं यार भाग रहा हूँ, भाग कैसे भागता हूँ मैं आप लोग को पता ही है। शाबाश लड़के शाबाश। तो अभी यार बस हाइड्रेशन, एक ब्रेक लेने का सोचे हैं हम लोग। जस्ट आफ्टर एग्जिटिंग दिस पैच एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप आता है जहाँ पे मिल जाएगी हमें एनर्जी ड्रिंक, बट लुक एट दिस हाउस डूड, डैम आई डिडंट नोटिस, इनसेन। Oh my God! Everywhere I go, there are doggos. Come on, boy. क्या boy? How are you, boy? तो अपना बस ऐसे ही चलता रहता है यार, बातचीत करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एंड लाइफ एवन चल रही है। फिलहाल देखते हैं नमने पहुंचते हैं या कहाँ। आप रहो वीडियो में बने हुए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो तुरंत से। मैं आपसे मिलता हूँ बाइक पे। नमस्ते, वेलकम टू कलासा। वी आर हियर एट येलनीर वाटरफॉल्स। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वाटरफॉल्स ऑफ नेत्रावती रिवर।
क्या है ये, पूरा फॉग हो रखा है, क्लाउडी सनसेट हो रहा है। मैन अमेजिंग।